छात्र शैलेंद्र शंखवार ने जिला अस्पताल में उपस्थित डॉक्टरों के द्वारा आए दिन जेल में कैदियों के साथ किया जाने वाला व्यवहार से तंग आकर की अपनी आत्महत्या। मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं में फूटा आक्रोश, NH2 हाईवे का किया चक्का जाम। पूरा मामला जिला अस्पताल फिरोजाबाद से जुड़ा हुआ है। आज दिनांक 3/12/2022 को जिला अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक MBBS मेडिकल कॉलेज के छात्र शैलेंद्र शंखवार ने प्रतिदिन डॉक्टरों के द्वारा जेल में कैदियों द्वारा व्यवहार किए जाने से तंग आकर जिला अस्पताल में कर ली आत्महत्या। इस घटना की जानकारी पूरे फिरोजाबाद में एक चिंगारी की तरह फैल गई। उपस्थित अन मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं में फूटा आक्रोश, NH2 हाईवे का किया चक्का जाम। मेडिकल प्रिंसिपल तुसीन वरिष्ठ के द्वारा दी गई जानकारी बताया गया, छात्र ने कल भी अपना एग्जाम दिया था, आज भी उसको एग्जाम देना था, किन्हीं कारणों के चलते हुए इसने अपनी आत्महत्या कर ली, जिसके कारण सही तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक तरफ MBBS के छात्र छात्राओं के द्वारा दी गई जानकारी बताया, इस जिला अस्पताल में हम छात्र छात्राओं के साथ जेल में जैसा कैदियों के साथ व्यवहार किया जाता है, जैसे ही व्यवहार हम लोगों के साथ किया जाता है। इसके साथ साथ बताया गया, घटनाक्रम के बाद भी घटनास्थल पर संबंधित जानकारी कर्मचारियों ने आने में विलम्ब डॉक्टरों के द्वारा केवल ही किया जाता है। ये अपने रूम में बंद है, इनके साथियों ने खबर दी, इन्होंने रूम अपना बंद किया हुआ है। तो हमने जैसी सूचना आई तुरंत रूम का दरवाज़ा तुलवाया, तो अंदर देखा तो ये फांसी लगाए हुए थे। तो इनको तुरंत लेके हम लोग भागे हॉस्पिटल में, इनका इलाज शुरू किया गया। एक घंटे डेढ़ घंटे तक इनका पूरा इलाज, सब कुछ CPR दिया गया, इनको जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया। लेकिन अब जो भी विषय है जाँच का, लेकिन कल का इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, आज का एग्ज़ाम ये देने नहीं गए थे। नहीं, जैसे बच्चों ने यहाँ आरोप लगाए हैं कि वहाँ उत्पीड़न किया जाता है, उनके अमानवीय घटना की जाती है, कौन सा है सर, उस पर पूरा एक्शन होगा। ये क्या है, परमानेंट संविदा पे कोई कीमत नहीं है, कहाँ का है बाबू? ये कहाँ गया है, बच्चा मानता है तो ये स्टूडेंट सेक्शन का बाबू है, उसको पूरा एक्शन लिया। ये बच्चा कौन से वर्ष का छात्र था? ये अभी 21 बैच का है, 2021। एग्जाम कौन से चल रहे थे? एग्जाम तो इंटरनल है। इंटरनल है, बच्चों को धमकी दी जाती है आपको फेल कर देंगे, ये है जी। अब हमारे पास अभी ये संज्ञान में आया है, हम इसकी पूरी जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। बाकी हमने बच्चों को पूरा भरोसा दिया है, पूरा प्रशासन और सभी फैकल्टी मेंबर्स सभी इनके साथ हैं पूरी तरीके से। तो क्या कारण रहा, प्राचार्य मैं मौजूद नहीं थी इतनी घटना होने के बाद भी? मैडम थोड़ा अपने फैमिली कुछ फंक्शन के लिए छुट्टी पर हैं, तो बाकी ये है कि सब लोग साथ में हैं, पूरी फैकल्टी इनके साथ है, वार्डन है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। पूर्ति नहीं की जाती है, उसके बाद में आज जब इतनी दिक्कत समस्या पैदा हुई तो ना प्रिंसिपल मैम है यहाँ पर, ना हमारे बॉयज हॉस्टल के वार्डन पुनीत सर है यहाँ पर, किसी की मौजूदगी नहीं है। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं आया है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है वहाँ पर, क्या चल रहा है। ICU को एक बार आप हाल दे के आइए, वहाँ पर कैसा ICU की हालत हो रखी है, इसमें ऐसे कैसे चल पाएगा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का काम। आज हमारे मेरे ही बैच के एक साथी ने सुसाइड कर ली, जब हमने गार्ड को नीचे बताया गया कि कॉलेज प्रशासन का दबाव रहा जो भी था उनके ऊपर, हमने गार्ड को बताया, एक भी वहाँ पर कॉलेज का बंदा मौजूद नहीं था वहाँ पर कि क्या हो रहा। हमने खुद से हमने सब हमारे दोस्तों ने मिलकर गेट तोड़ाया, उसके बाद में हमारे ही सीनियर हैं उन्होंने अपनी खुद की गाड़ी में उसे यहाँ लाए गए, उस स्टूडेंट को यहाँ लाए, ना वहाँ पर कोई एम्बुलेंस है, ना कोई व्यवस्था थी उस टाइम तक। बहुत देर 15-20 मिनट से हम गेट को तोड़ने की कोशिश में थे पर कॉलेज का वहाँ पर एक भी इंसान नहीं आया। कौन सी ये 21 बैच का है, मेरे साथ का ही है, मैं भी फर्स्ट ईयर अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी हमारे यूनिवर्सिटी प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहे थे, उसका नाम शैलेंद्र सिंह है। तो यहाँ पर घटना है और ये ऐसी घटना है जो बिल्कुल भी किसी कीमत पर भी स्वीकार्य नहीं है। हमने पिछले 2 घंटों से बच्चों के साथ बात करी, उनकी वेदना समझी है, उनकी परेशानी समझी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह सकता हूँ, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में, चिकित्सा शिक्षा विभाग में अगर इस प्रकार की कोई घटना घटी है तो मैं निश्चित जानिए
कि उसकी तह तक जाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसी बीच में मैंने अपर मुख्य सचिव श्री आलोक कुमार जी, जो चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे भी बात करी और उन्होंने इस पर जांच बैठाने की और जांच दल भेजने की बात कही। जांच की बात विधायक जी चली है, इससे पहले भी कई सवाल इस जिला अस्पताल पर उठ चुके हैं, मेडिकल कॉलेज पर, लेकिन आपके तीन पास कोई अभी तक डिसीजन किसी तरह का ठोस सरकार की तरफ से नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे में कैसे विश्वास करेगा? क्या सवाल, मैं तो नहीं समझा, मैं तो जो समस्या है मुझे बताइए कौन से सवाल उठे हैं जो आपकी वार्ड को ये इनकी रोजमर्रा की व्यवस्था को लेकर। तो आप इनके सामने आप भी खड़े हुए थे, मैंने तो कई बार ये कहा कि ये तो मेरा ही दुर्भाग्य है, मैं तो बच्चों के बीच में बहुत फ्रेंडली रहा, इनके प्रोग्राम होते हैं, देशभक्ति के कार्यक्रम होते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर भी इन लोगों की अच्छी प्रस्तुति होती है, पर कभी ऐसी बात निकल कर नहीं आ पाई। नहीं, लेकिन इनका क्या वजह रही सर? कई सवाल भी उठे कि सफेदपोश लोगों का प्रिंसिपल सर मैम पे हाथ है, इसलिए ये व्यवस्था है। जो सफेदपोश है उसको काला पोश कर दिया जाएगा, और अगर आपकी जानकारी में आप नाम लीजिए तो फिर खुदकुशी है बच्चे ने कैसे कर? ये बड़ी दुखद घटना है, प्रशासन में इसको संज्ञान में लिया गया, उच्च स्तर तक मैंने स्वयं बात करी, तो किसी ने नहीं बात करी, मैंने करी ये बात, इन बच्चों से मैंने ये बात कही है, मामूली बात नहीं है। मैं 5-6-7 में लखनऊ रहूँगा और मैं वहाँ पर विधानसभा पर भी नोटिस लगाकर इस पर जांच की मांग करूँगा।